Day 28, रिमेम्बर द मैजिक। जैसा कि ऑथर ने यहाँ बताया है कि हमें, जैसा कि हम रोज 10 ब्लेसिंग्स अपनी काउंट कर रहे हैं मॉर्निंग में, वो हमें करनी है। और उन ब्लेसिंग्स जो भी हम काउंट कर रहे हैं, हम क्यों उसके लिए ग्रेटफुल हैं, वो भी हमें यहाँ लिखना है साथ में। और साथ में लास्ट में हमें 3 टाइम्स थैंक यू थैंक यू थैंक यू जरूर लिखना है, हर दिन और हर बार। और आगे भी हमें इस प्रैक्टिस को कंटिन्यूशन में बनाए रखना है। हो सकता है कि आप रिपीटेड थिंग्स आप उसमें जॉट डाउन करें, क्योंकि अब तक हमने 280 ऐसी चीजों के लिए थैंक यू बोल चुके हैं जो कि हमारी लाइफ में है और जिनके लिए हम ग्रेटफुल हैं। नेक्स्ट जो हमें इसमें करना है, तो इसमें हमें रिमेम्बर करना है जो भी मैजिक हमारे लाइफ में अब तक हुआ, कल के दिन जो भी हमने अच्छा फील किया, जो भी हमारे लाइफ में ग्रेटफुल हुआ, उसके हमें रिमेम्बर करना है। और साथ में जो भी मैजिक हमने 28 डेज में देखा, उस सबको हमें रिमेम्बर करना है, याद करना है, फील करना है, उसके लिए थैंक्सफुल होना है। और रात को सोते समय सेम द वे मैजिक रॉक की प्रैक्टिसेस करके सोना है। और ये हमें हमेशा करते रहना है, जैसा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम बताता है कि हम जो सोचते हैं वैसा ही हमारी लाइफ में होता जाता है। तो ये सारी मैजिक बुक की जो प्रैक्टिसेस हैं, यदि हम इन्हें करते हैं तो नो मीन हम हमारी लाइफ को खुद से चेंज कर सकते हैं। हमें किसी और के पास जाने की कहीं भी दरकार नहीं है, कहीं भी कुछ जरूरत नहीं पड़ती है। हम अपने आप से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं।